YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। मेदिनीनगर नगर निगम के प्रस्तावित चुनाव में उप महापौर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे परविंदर कुमार और बाबू का आज सघन जनसंपर्क अभियान निगम क्षेत्र के सिंगराखुर्द गांव में चला। जनसंपर्क के दौरान सिंगराखुर्द के ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की और व्याप्त समस्याओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि अगर उप महापौर पद के लिए वे विजयी होते हैं तो क्षेत्र में पसरी समस्याओं के निपटारा के लिए भी हर संभव उपाय करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से सहयोग की अपील की। सिंगराखुर्द का दौरा किया मैंने, टोला टाल, ठाकुर टोला और भी कई जगहों पर दौरा किए हैं। लोगों के बहुत सारी समस्या आ रही हैं, आवास का, पानी का, रोड का, नाली का, पेंशन का, कार्ड का। लोगों से वादा किए हैं कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में शहर के विकास का कार्य हुआ है, अब नया क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, सभी जगह पर विकास के कार्य होंगे जिस तरह से हम लोगों ने शहर में किया है। और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है कि हम लोग शहर जाते हैं, वहाँ देखते हैं किस तरह से शहर में लाइट बत्ती लगा हुआ है, लोगों को सभी सुविधाएं मिली हैं, आवास का, रोड का, नाली का। वो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है कि आपके शहर के काम को देखते हुए हम लोग पुनः आपको अपना आशीर्वाद देकर डिप्टी मेयर के पद पर बिठाएंगे।